नमस्ते। आज जल संसाधन और सिंचाई की एमसीक्यू है। आपको बताया जाएगा कि एग्जामिनर ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और आज जो है उसमें कुछ कुछ जगह मुझे आपको छोटा छोटा फैक्ट बताना है, तो वो मैं बता दूंगी। और पिछली सारी क्लासों का जितना भी फैक्ट वाला हिस्सा है उसका रोज रिविजन करते रहे। आते से मुझे ये एक बार बात बोलनी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आप भूल जाओ कि हमने पिछली क्लास देखी नहीं। तो रोज ध्यान रखें कि रिवीजन आपको रोज करना है। जितना आपको आगे बढ़ना है उतना ही आपको पीछे भी क्या करना है, ध्यान रखना है, वरना ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे जो है आप खाली होते जाएंगे, और फिर ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो जितना भी अभी तक अर्थव्यवस्था में जब पढ़ाया गया है उसका 2x की स्पीड पर पुराने वाला वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही अगले वीडियो के ऊपर आए, तो आपको तकरीबन ऐसा आएगा एक दिन आपको एक वीडियो का लगभग सारा चीज आप एक पेज पर लिख देंगे। और अगर कोई बच्चे ने ये काम कर लिया और उसका सुधार हुआ तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करे ताकि दूसरे भी उससे इंस्पायर होकर ये काम करने को शुरू हुए। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में कई बार ये भी कह दिया जाता है कि क्या है ऑनलाइन क्लास, एक एक पिक्चर ही तो है, चलेगी और छूट जाएगी। शिक्षा जब हर जेब तक पहुंच जाती है ना, हर जेब तक, तब कई बार उसका उपयोग सही तरीके से हो भी नहीं पाता। तो उसको बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, और ये सोचें कि घर बैठकर आप स्वअनुशासन से जितना भी पिछला है वो सारा रिवाइज करेंगे, और वो गाना रोज देखें कि ठान लिया हमने अब सूरज सा जलना है, ताकि आप ऊर्जावान रहें और आगे बढ़े। और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनको देखने से बहुत ऊर्जा मिलती है, और फिर पढ़ने बैठो। दंगल का देख लो, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल, तो वो कंपटीशन पे भी लागू होता है, तो उससे आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, दिमाग तरोताजा हो जाएगा, तो डाटा डालने में आसानी होगी। तो रिवीजन का साथ बिल्कुल मत छोड़िए। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, की ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी सिर्फ रिवीजन में है। रिवीजन जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो चले आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। जो पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं, वो अपन शुरू करते हैं। और सर्दी के आगमन की सबको बहुत बहुत बधाई। सर्दियां ऐसी आई है राजस्थान में जबरदस्त पश्चिमी विक्षोभ की मावट से। चलो छोड़ो, पहला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2010 में। तो जिन्होंने भी ये आंसर दिया है उसका क्या है, करेक्ट है, अपनी नोटबुक में फैक्ट में इसको लिख लेना, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चले, चलो अगला। राजस्थान के 13 नदी बेसिन के कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब आपको मुझे क्या करना होगा, बताना होगा। हाँ, एक कॉन्ट्रो और है। कुछ बुक्स अगर आप देखोगे तो इस 13 नदी बेसिन को उन्होंने क्या कर रखा है, 15 नदी बेसिन भी कर रखा है। देखो अभी तक सूजस अगर आप देखोगे, मई 2022 की अगर आप सूजस देखोगे तो उसमें 13 बेसिन ही लिखा हुआ है, अपडेट होकर इतना जल्दी आया नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 15 नदी बेसिन भी लिखा हुआ है। तो अब आप पे जजमेंट है कि अगर क्वेश्चन में 15 ऑप्शन नहीं हो तो 13 को सही करके आ जाना, ये है। और वैसे कम चांसेस है कि वो आपको 15 नदी बेसिन वाला क्वेश्चन दे, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तो बच्चों का कमेंट आएगा ही आएगा कि मैम हमने वो बुक पढ़ी थी उसमें 15 नदी बेसिन लिखा हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी मई 2022 की सूजस भी देखोगे तो उन्होंने भी क्या लिख रखा था, 13 नदी बेसिन लिख रखा था अभी एक उसके अंदर, तो उसी हिसाब से 13 नदी बेसिन है। तो 13 नदी बेसिन के कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है, तो जिसका आंसर 15.86 मिलियन फुट है उसका क्या है, करेक्ट। आगे चलूं, हाँ अगला क्वेश्चन ये भी इजी है, आपको करवा रखा है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो याद करो कितना प्रतिशत भाग है, तो बहुत सिंपल, 1.16%। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब आपको डाटा से डर लगता है? क्या अब आपको डाटा देखने से एक बार क्लिक हो जाता है? अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत अच्छे, अब इसको छोड़ना मत। इसको क्या करना, पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज मारते रहना, और रिवाइज मारते मारते ये चीज इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपको ये नहीं लगेगा कि फैक्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सॉल्व। आगे बढ़े, चलो अगला। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, आपको आंसर देना होगा। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूपों से। अब यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है, जो एपी का एग्जाम अभी देने जा रहे हैं,
सात जैन को कब देने जा रहे हैं? 7 जनवरी को 2024 को जो एपी का एग्जाम देने वाले हैं उनको मुझे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको ध्यान रखना होगा। ये एक डाटा है, एक तरफ आपको पूछा जा सकता है सकल सिंचाई, ठीक, और एक तरफ आपको पूछा जा सकता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र। क्या पूछा जा सकता है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र। अब देखो, चाहे आपको पूछे कि राजस्थान में सकल सिंचाई किससे सबसे ज्यादा हो रही है तो भी आंसर कुएं और नलकूप होगा। अगर आपको पूछे कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है उसमें भी सबसे ज्यादा सिंचाई किससे हो रही है, कुएं और नलकूप से हो रही है, लेकिन इनका परसेंटेज है ना वो अलग अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है। अब मैं आपको लेटेस्ट इनके डाटा बता रही हूँ, तो सकल सिंचाई जो है उनके 2021-22 का जो डाटा है, सकल पूरे ऑल ओवर पूरा राजस्थान में ऑल ओवर सकल मतलब कंप्लीट एक साथ, तो कुएं और नलकूप का परसेंटेज आपको याद रखना है दोनों का मिला के कितना है, आपको नोट डाउन करके रखना होगा, 68%। आप क्या याद रखेंगे? 68%। देन आप नहरों का कितना याद रखेंगे? 29%। नहरों का कितना याद रखना है आपको? 29% याद रखना है। देन तालाब का आपको याद रखना है 0.40%। तालाब का कितना याद रखोगे? 0.40%। ठीक, अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र। अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भी हमको लेटेस्ट डाटा लेना है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूप जो हैं उनका परसेंटेज आएगा आपका 74%। कितना आएगा? 74%। ठीक, सॉरी 73%। कितना आएगा? 73%। देन आपको नहरों का याद रखना है शुद्ध वाले क्षेत्र में, नहरों का शुद्ध वाले क्षेत्र में आपको याद रखना है 24%, और तालाब का आपको याद रखना है 0.053%। ठीक, तो अब जो चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है उस पर गौर फरमाए, इस डाटा से बिल्कुल मत डरे। अब देखो, ये तो इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तब आपके पास आपको यहाँ चाहे सकल सिंचाई हो चाहे शुद्ध सिंचाई हो, इन्होंने एक सिंगल कंबाइन करके पूछ लिया। उन दोनों डाटा को अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा किससे हो रही है, दोनों में ही परसेंटेज किसके ज्यादा है? कुएं और नलकूप के ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेना कि राजस्थान में सकल सिंचाई कुएं और नलकूपों से कितने प्रतिशत होती है, तब तो 68 आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि राजस्थान में सकल सिंचाई इसी जगह पे गौर रखना है, कुएं और नलकूपों से कितनी हो रही है प्रतिशत में, कुएं और नलकूप से कितनी हो रही है परसेंटेज में, तब आपका आंसर क्या होगा? 68%। लेकिन उसी वक्त अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में कुएं शुद्ध सिंचित क्षेत्र कुएं और नलकूप का कितना है, कुएं और नलकूप का कितना है, कितना प्रतिशत है, तब आपको आंसर देना होगा 73%। ये जो दो चीजें हैं आपको बहुत माइन्यूटली ये फर्क ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन क्या करवा देते हैं, गड़बड़ करवा देते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है वो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले लिया है उनको तो ये वीडियो मिलेगा, तो उसमें ये आपको पीपीटी में मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ू। चलो अगला, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप। नलकूपों से बहुत ज्यादा सिंचाई राजस्थान में होती है। आगे चले। हाँ, कुएं और नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। अब देखो, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, इन्होंने सबसे प्रमुख जिला पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा किसमें ज्यादा हो रही है किसमें कम हो रही है, इन्होंने सिंपल पूछा है कि भाई सबसे प्रमुख कहाँ हो रही है, तो सबसे प्रमुख जिला कौन सा है आपका? जयपुर। आगे चलू। चलो, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? आ गया ना क्वेश्चन कि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। अब देखो, इसके अनुसार आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। अब नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का मतलब यहाँ आपको कौन सा क्षेत्र समझना होगा, सकल वाला समझना होगा, और सकल के अनुसार नहरें कितने परसेंट पर है? 29% पर। ये देखिए, 29% दिखा आपको, 29%।
तो यही 29% यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? तो जिसका भी आंसर 29.75% है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब चंबल घाटी विकास परियोजना एक संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दो, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखो चंबल आते ही ध्यान रखना, चंबल का सिंपल सा है कि चंबल मध्य प्रदेश की बेटी है और राजस्थान की बहू है। क्यों? क्योंकि चंबल जो है वो मध्य प्रदेश में निकलती है और पूरे के पूरे राजस्थान में क्या करती है, बहती है। तो मैं कई बार ऐसे ही याद करती हूँ कि भाई देखो चंबल क्या है, मध्य प्रदेश की तो बेटी है लेकिन राजस्थान में क्या की गई है, वो ब्याही गई है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे चले, अगला, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आपका, चंबल। चले आगे, चलो निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। अब चंबल के सारे बांध दे दिए गए हैं आपको और आपसे ये पूछा गया है कि भाई चंबल का वो कौन सा बांध है जो विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। तो कोटा बैराज नहीं कर रहा। देखो बैराज शब्द आते ही ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके लिए होगा, सिंचाई के लिए होगा। किसके लिए होगा, सिंचाई के लिए। आगे चलो, चलो कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। तो आ गया कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। अगला, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। देखो ये बहुत रेयर होता है कि आपको क्या पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी किसी की ऊंचाई पूछ ले तो आप याद रखना गांधी सागर की इसलिए पूछी है क्योंकि चंबल पर इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बांध। तो सीधा याद रखो 62 मीटर है। कितना है, 62 मीटर। आगे चले, हाँ, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत है। अब देखो अगर एग्जामिनर पुराना देगा तो आंसर क्या होगा, जालोर और बाड़मेर। लेकिन अगर नए तरीके से पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका आंसर होना चाहिए सांचोर और बाड़मेर। क्या होना चाहिए, सांचोर और बाड़मेर। तो ये दोनों वेरिएशन मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दे दिए हैं। क्लियर दिख रहा है, चले आगे। हाँ, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना पानी मिलता है, तो 0.50 MAF। तो जिसका भी आंसर 0.50 MAF है उसका करेक्ट है। फिर वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिस्टम से ही करने का प्रावधान है। तो ये तो पता ही है, गुजरात वाले अपना पानी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये कौन सी परियोजना है आपकी, नर्मदा। क्लियर, आगे बढ़ू, चलो। हाँ, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों शामिल है, वो परियोजना आपको क्या करनी है यहाँ पे बतानी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, वो कौन सी परियोजना है जिसमें ये तीनों शामिल है, उसमें है ये नर्मदा नहर। देखो कुछ लोगों का दिमाग माही पर भी दौड़ेगा लेकिन माही में तो सिर्फ राजस्थान और गुजरात है। आगे चले, हाँ, ड्रिप सिंचाई प्रणाली या माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है, ये हमने सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी। तो ये विकसित कहाँ की गई थी, जहां भी युद्ध चल रहा था। तो सिंपल क्या आंसर होगा, सी, इज़राइल। अगला, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर। क्लियर, ये तो सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करके रखे होंगे और ऐसे तैयार भी करके रखने चाहिए, ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। अब देखो माही बजाज है ना, कहाँ है ये, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। देन माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला तो कौन सा है आपका, सबसे ज्यादा माही से फायदा किसको हुआ है, बांसवाड़ा को। फिर किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है, मतलब 100% इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान को ही मिलेगी, राजस्थान को ही मिलेगी, ऐसी परियोजना कौन सी है। तो ऐसी परियोजना जिसमें 100% जो जल विद्युत है या विद्युत है वो राजस्थान को ही मिलती है, ये परियोजना है आपकी माही। कौन सी है, माही। ठीक, आगे चले, हाँ, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की
संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। अब वो पूछ रहे हैं कि स्टेक होल्डिंग कितनी है राजस्थान की, किसमें, माही बजाज में। वो ये नहीं पूछ रहे कि जल विद्युत वाला सिस्टम, वो ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान की स्टेक होल्डिंग मतलब राजस्थान का कितना हिस्सा है इसके अंदर। वो ये आपसे क्या कर रहे हैं इस वक्त पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। तो बहुत आसान है, 45-55 है। तो राजस्थान की तरफ से 45 रुपए लगाए गए हैं और गुजरात की तरफ से कितने लगाए गए हैं, 55। अब गुजरात भाई सेठ आदमी है ना, और राजस्थान बेचारा संघर्षरत सेठ है। राजस्थान भी सेठ है लेकिन राजस्थान का सेठ संघर्ष कर रहा है, लेकिन गुजरात के सेठ देखो दो दो अंबानी और अडानी पूरे देश पे राज कर रहे हैं ये। तो वो लगाएंगे 55 रुपए आराम से। ठीक, आगे चले। चलो, माही बजाज परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है। तो माही बजाज का मुख्य जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो इसका आंसर बताऊं आपको, तो ये है बोरखेड़ा। कहाँ है ये, बोरखेड़ा। आगे चले। हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली, स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। तो कौन सी है स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली, चंबल, व्यास, माही, सतपुड़ा। तो जिसमें पूरा का पूरा राजस्थान का ही है वो विद्युत जल विद्युत परियोजना। तो बहुत सिंपल है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, तो आप मुझे आंसर बताइए, माही। तो माही में याद रखना है राजस्थान और गुजरात दोनों शामिल है। अब पैसे की बात करें तो राजस्थान ने लगाए 45 रुपए, गुजरात ने लगाए 55 रुपए, लेकिन राजस्थान ने कह दिया देखो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा वो 100% जो जल विद्युत है वो मैं ही ले जाऊंगा, इसमें तुम मुझसे क्या मत करो, लड़ाई मत करो। ठीक, आगे चले। हाँ, कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है। तो कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है, तो इसका सही आंसर दीजिए। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने से पहले ही आंसर आ गए होंगे, माही बजाज सागर बांध। देखो एग्जामिनर और पूछे भी का क्या, यही है, इजी इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये गलत नहीं होने चाहिए, अगर ये गलत हो गए आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे, है ना। अगर आप किसी आसान सी बॉल पे सिक्स नहीं मारते हो तो फिर आप कहें कि बल्लेबाज हो, वही बात है। माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है। अब फिर से सेम क्वेश्चन है, 26 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा। माही, इन्होंने आंसर ही दे दिया माही नदी, तो फिर कौन सी होगी, माही बजाज सागर परियोजना सी। अगला, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब देखो, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित नहीं है ना वो आपका कौन है, डूंगरपुर। ये क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे चलूं। चलो, अब अगला देखो, बीसलपुर बांध परियोजना किस नदी पर है। तो अपन पढ़े भी थे बीसलपुर बांध प्रोजेक्ट, तो बीसलपुर बांध परियोजना है आपका बनास नदी पर। किस पर है, बनास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा। ये देखो, कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा। तो जो सीधे लाभ जिसको नहीं मिल रहा वो किसको नहीं मिल रहा, सवाई माधोपुर को नहीं मिल रहा। आगे चले। चलो, हाँ, अब बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है। अब देखो, उस पुराने पैटर्न के हिसाब से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है, तब इसका आंसर क्या होगा, टोंक। लेकिन जब ये नए क्लेवर में आएगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अब तक राजस्व विभाग के आंकड़े नहीं आए हैं, तब तक हम ये आशा करते हैं कि जैसे आरएस के एग्जाम में भी इन्होंने नए जिलों से क्वेश्चन नहीं पूछे, तो एपी के एग्जाम तक जो 7 जनवरी को होना है वहां तक भी ये नहीं पूछेंगे। आगे चलें। चलो, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो बीसलपुर बांध में आपको पानी देना है तो इसके लिए कौन सी परियोजना को तैयार किया गया था, तो बहुत ईजी है, ब्राह्मणी और बनास। आगे चले। हाँ, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई, फिर सेम क्वेश्चन है, फिर से आंसर क्या होगा, ब्राह्मणी और बनास। फिर निम्न जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं है। तो अब देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो देखो ये गलत है, चौली सिंचाई परियोजना बूंदी, ये बूंदी में नहीं है। चौली सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ आती है? झालावाड़। तो इसको नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? क्योंकि जो मध्यम सिंचाई परियोजना है वो क्या की जाती है, अक्सर पूछी जा सकती है। तो बजाय इसके कि आप बहुत सारे पढ़े, इससे अच्छा जो पूछ रखा है उसको पढ़ो। भीम सागर आपका सही है, झालावाड़ परवन सही है, बारा सावन भादो कोटा सही है, चौली भी आपकी कहाँ है, झालावाड़ है। क्लियर। अगला, सुमेलित नहीं है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर परियोजना बारा, यही गलत है। भीम सागर परियोजना आपकी कहाँ नहीं है, बारा में नहीं है। भीम सागर अभी हम पिछले उसमें देख के आए थे, मैंने आपको अभी बताया था कि भीम सागर भी आपका कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, झालावाड़। आगे चले, चलो सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट सही नहीं है। तो कोठारी भीलवाड़ा सही है, जवाई पाली सही है, जाखम प्रतापगढ़ सही है, कालीसिंध परियोजना उदयपुर, ये गलत है। ठीक, आगे चलूं? हाँ सॉरी, इसका आंसर होगा ए, जिन्होंने भी ए दिया उसका करेक्ट। हाँ, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो अब सोम कमला अम्बा तो इतनी फेमस है, ये आलिया भट्ट है सिंचाई की, सोम कमला अम्बा जो है, इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपका क्या है, आलिया भट्ट वाला सिस्टम है, कि ये तो भाई सिंचाइयों में हीरोइन है, आलिया भट्ट सब याद रखते हैं इसको। ये है डूंगरपुर, इसका सही आंसर क्या होगा, डूंगरपुर। आगे चले, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? आप फिर से आ गई आपकी आलिया भट्ट, सोम कमला और अम्बा, तो सही आंसर क्या होगा, बी। अगला, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को जल उपलब्ध कराना है? तो मानसी और वाकल किसके लिए हैं? 38 में आंसर क्या होगा आपका, उदयपुर। आगे चलूं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सही सुमेलित नहीं है? तो देखो पांचना बांध करौली में ही है, औराई चित्तौड़ सही है, गुढ़ा बूंदी सही है, गलत कौन सा है, मानसी वाकल डूंगरपुर। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। देन सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है, सी उदयपुर में स्थित है, किस में स्थित है ये, उदयपुर में। आगे चले, ओह आज का क्लास खत्म हुआ। जो जो क्वेश्चन पॉसिबली पूछे गए हैं वो मैंने आपको एक बार दिखा दिए हैं, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब मैंने इसकी जो थ्योरी की क्लास ली थी और उस क्लास में जहां मैंने आपको ये समझाया कि आपको याद रखना है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिस्से को जरूर तैयार करें, और इस वीडियो में जहां पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, वहां आपको ध्यान रखना है। और जो भी एपी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले टीचर ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से लगे रहे इस साल पूरे जोश से, ये तय कर लें कि हम जितनी भी पिछली गलतियां हैं उनको सुधार कर आगे बढ़कर सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा बदल देंगे, और हम जरूर से इस बार लगेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी हम ठाकुर जी को दिन रात हाथ जोड़ते रहेंगे कि भाई इस बार आप अपनी तरफ से हमको निराश नहीं करना। ठीक, तो आपको सर्दी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।